हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं खुशबू ब्लॉग्स एंड ब्यूटी। आपका हमारे अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग ठीक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। खूब हंसी खुशी रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए। स्माइल करने से सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो स्माइल खूब करते रहिए हमेशा। और कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए। दिखाती हूँ, ये ऐसे ही रखा था तो मेरी नज़र पड़ गई थी इस पर, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये इसको ऐसे ब्रेसलेट के जैसे है, इसको ऐसे ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे है। तो मैं कुछ और ही लेने गई थी और मुझे ये दिख गया तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। कैसा लग रहा है? और एक ये ले आई थी तो ये भी ऐसे ही है ब्रेसलेट की तरह, इसको भी बांध सकते हैं ऐसे ऐसे लगा के। और मेन तो मैं गई थी लिपस्टिक लेने, क्योंकि ये है एलेटिन का लिपस्टिक, तो ये मतलब लाइट शेड है पिंक कलर का। ये डेली रूटीन में लगाने के लिए सही होता है, कम रेंज में 130 का MRP है इसका, तो कम रेट में ये सही होता है डेली रूटीन के लिए। ये देखिए, ये पिंक कलर है, तो डेली रूटीन में तो मैं यही वाला यूज करती हूँ, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है। बाकी रेवलोन वगैरह का लो तो कॉस्टली होता है थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये पिंक कलर है, यही मैंने लगाया भी है, मेरे पास हमेशा इसी का रहता है, शुरू से मैं हमेशा ये वाला सेट रखती हूँ अपने पास। ये पिंक कलर का सेट है और इसका नंबर है 212, तो ये एलेडिन का है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं शुरू से अपने पास रखती हूँ, हमेशा ये मेरे पास तो रहता ही है। जब भी खत्म होता है तो खत्म होने से पहले ही मैं दूसरा ले आती हूँ और ये कलर बार वगैरह का तो बहुत महंगा पड़ता है, इसकी स्टार्टिंग रेंज ही शुरू होती है 500 से, 500 से इसकी स्टार्टिंग रेंज है। तो और ये मेरा है 700 रुपये का, ये ऐसे है। ये तो मेरा काफी पुराना हो चुका है तो इसको ऐसे हल्का सा लगाते हैं तो शाइनिंग आ जाती है। ये देखिए, आप दोनों में देख सकते हैं फर्क, ये नीचे वाले पे लगाया मैंने। इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, इसमें बेसिकली कलर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल लाइट कलर का है, किसी भी लिपस्टिक पे लगा लो तो इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैंने एक रख रखा है और मैं सारी लिपस्टिक ना एक डब्बे में करके, एक डब्बे में बंद करके और फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से लिपस्टिक अच्छी रहती है, तो मैं एक डब्बे में ही सारे बंद करके और फ्रिज में रख देती हूँ। और आज है वेडनेसडे और आज एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन मैं तुलसी जी के पास भी दिया जलाती हूँ। तुलसी जी के पास भी दिया जलाना चाहिए हमें, तो मंदिर में तो पूजा करते ही करते हैं, तुलसी जी के पास भी दिया लगाना चाहिए शाम को, तो मैं तो डेली ही शाम को तुलसी जी के पास भी दिया लगाती हूँ। अगर आप लोग नहीं जलाते हैं तो एकादशी के दिन जरूर जलाया कीजिए। अभी ये रेडी हो चुके हैं और मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से नाश्ता बना के इनको दूँ, क्योंकि इनको निकलना है। तो अभी चलते हैं किचन में, फटाफट से नाश्ता बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नाश्ता बना के चलते हैं अभी किचन में। और अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से पोहा। पोहा और बेसन का चीला ही सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ नाश्ते में बनता है, तो ज़्यादातर यही बनाते हैं, पोहा सबको ही पसंद है मेरे यहाँ नाश्ते में। तो अभी मैं नाश्ते में फटाफट पोहा ही बना रही हूँ।
अभी लगा लिया है मैंने नाश्ता भी, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करते हैं। हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है तो ये भी नाश्ता करके निकल गए हैं, और इन दोनों की क्लास हो रही है तो इन दोनों की क्लास आधी तो कर लेते हैं अपना, अभी का देखना पड़ता है मुझे। तो इसके साथ साथ इसकी जिस दिन क्लास होती है उस दिन मेरा तो दिमाग घूम जाता है, बिल्कुल जल्दी 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 सब काम निपटाते रहो। अभी यहाँ चल रही है आरओ की क्लास। यहाँ दूसरे कमरे में आदित्य अपनी क्लास कर रहे हैं, इनकी डेली होती है क्लास, इनकी कोई गैप नहीं होती है, डेली होती है, 9 बजे से शुरू हो जाती है इनकी क्लास, तो 12:40 तक चलती है। क्या इतने सारे चलाने वाले गाड़ी हैं जो बच्चे चला सकते हैं? देखो ये इतना बड़ा ट्रक भी है, देखो। गुड मॉर्निंग बोल दो। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग मम्मा, देखो तुम। क्लास हो गई? हाँ। क्लास हो जाती है तो बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है, तो पसर के आराम से टीवी देखा जाता है। ये नहीं कि पढ़ाई कर लो थोड़ी देर। करो और ये यहाँ पे आ रहा थी, मैम ने बोला है इनको ये राखी बना के उसके साथ फोटो खींच के भेजनी है इनको, तो वही राखी बनवा देखते हैं क्या क्या सामान पड़ा है, उसी सब से बनाते हैं। लो ये बनाओ बेटा। इन सब इन लोगों को बनाना पड़ता है हमेशा कुछ ना कुछ, तो इसलिए सब संभाल के रखा हुआ है, इसी से बनता रहता है। ये सब कुछ करते करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ, तो अभी चाय पी लेते हैं पहले। और जिस बाउल में मलाई रखती हूँ वो बाउल पूरा भर गया था मलाई से, तो मैंने कहा कि चलो आज मक्खन भी निकाल के और घी बना लेते हैं, तो यहाँ मैं मक्खन निकाल रही हूँ, आज ग्राइंडर से ही निकाल रही हूँ। तो मुझे शुरू में लग रहा था कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत पतला सा हो गया था क्रीम जैसा, लेकिन बाद में अच्छा सा निकल आया था। मैं हमेशा मिक्सी में ही निकालती हूँ, लेकिन इस बार ग्राइंडर से भी बढ़िया सा निकल गया था मक्खन। अभी ये कह रहे हैं कि सूप बना लो, तो मैं अभी टोमेटो सूप बनाऊँगी, उसके लिए थोड़े से ब्रेड कॉर्न तल लूँगी। तो ये ब्रेड कॉर्न डाल के वैसे तो अच्छे लगते हैं, मतलब नहीं भी डाले तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेड कॉर्न भी तल लूँगी। और इधर एक तरफ मैंने रख दिया है घी, धीमे धीमे आँच पे मक्खन पिघलता रहेगा तो घी बनता रहेगा। और एक तरफ को मैंने रख दिया है सूप बनने के लिए, तो सूप बना लेते हैं इधर। और ये देखिए मैंने ये ब्रेड जो कट किया था इसको तल दिया है, तो कितना बढ़िया क्रिस्पी सा तला है। और
ये सूप भी अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है, तो ये सूप निकाल लेते हैं अभी, और ऊपर से जो कॉर्न तल के रखा था मैंने वो डाल दूंगी इसमें। इधर धीमे आंच पे घी भी बन रहा है धीरे धीरे, ये पूरा बटर पिघल चुका है तो अभी ये मतलब बॉइल्ड हो रहा है, और इसमें तो टाइम लगता है, मैं धीमे पे रख देती हूँ तो बनता रहता है। और यहाँ ये अब बस इसमें से घी निकलने ही वाला है, अभी ये क्लियर हो जाएगा तो इसमें से घी निकल आएगा। अभी मैंने दो लौंग ले लिए हैं जो इसमें डाल दूंगी, इससे घी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहता है और चींटियाँ भी नहीं आती हैं। लौंग किसी भी चीज़ में डाल दो तो उसमें चींटी नहीं आती है। और अब घी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देते हैं। अभी ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है तो मैं इसको एक जार में छान लेती हूँ। अच्छे से छान लेंगे इसको तो बिल्कुल देखिए कितना परफेक्ट बिल्कुल क्लियर घी निकला है। और जब खुद से ऐसे निकालते हैं ना कभी कभी, तो खुद को ही बहुत खुशी होती है कि देखो मैंने इतना ये इतना अच्छा घी निकाल लिया है, तो देखिए कितना बढ़िया निकला है। और इतना सब कुछ करने के बाद से अब मेरे में दम नहीं रह गया था कि मैं रात का खाना बनाऊँ, मैं बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने इनसे बोला कि खाना ऑर्डर करके मंगा लीजिए। इनने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया है, तो आज रात का डिनर हमारा बाहर से ही पैक होके आएगा। और आज के इस ब्लॉग का आप यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का मेरा रूटीन, आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग खूब हंसी खुशी स्माइल करते रहिए, हमेशा स्माइल स्माइल करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।